ये यहाँ पे आप CCS की साइट देख पा रहे होंगे, और जैसे ही आप इस साइट पे क्लिक करेंगे ये साइट ओपन हो जाएगी। और जैसे ही आप नीचे की तरफ जाएंगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। ओके, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन आपका होगा कि आप फॉर्म आईडी के थ्रू अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, या फिर आपको ये तीन ऑप्शन मिलेंगे। आप इन तीनों ऑप्शन को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, और ये तीनों फिल करने के बाद में आप सर्च करेंगे, और जैसे ही सर्च करेंगे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। देन आप उसको प्रिंट करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड में ये सब इंफॉर्मेशन आपको दी होंगी, एग्ज़ाम सेंटर हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है, एग्ज़ाम डेट टाइम। ओके, मॉर्निंग में आपका अगर 3 तारीख में एग्ज़ाम है मॉर्निंग में, तो 10 से 12 होगा। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सब आपका दिया होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको भी देख कर जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन है एंड वहाँ पे 2 आवर का टाइम मिलेगा आपको, और MCQ क्वेश्चन होंगे, मल्टी चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑनलाइन टेस्ट की, तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका अपना मेन सब्जेक्ट होगा, इसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, 50 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट से एंड 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएंगे, और ऐसे आप देख पाएंगे कि 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और मार्क्स भी 100 का ही है, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन एंड ड्यूरेशन है 120 मिनट। ओके, तो ये 2 घंटे का पेपर है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पाएंगे कि MCQ ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको पेपर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, एंड ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।